Hey guys, welcome back to another vlog. I hope बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज 11 जुलाई और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है मेरा जन्मदिन। और जैसे कि अभी सुबह के हो रहे 3:40 और मैं जा रहा हूँ कालका जी मंदिर, फिर हम जाएंगे गुड़गांव शीतला माता मंदिर। चलते हैं कालका जी मंदिर, वहाँ पे सब लोग वेट करे, रामधन भाई वगैरह सब वहीं पर मिलेंगे हमें। वहां से हम निकलेंगे माँ के दर्शन करके तुरंत शीतला माता मंदिर गुड़गांव, फिर वापस आएंगे कालका जी मंदिर, फिर अपना केक कट वगैरह करेंगे वहां पर और फिर घर पे आके ऑफिस भी जाना है। तो जल्दी से चलते हैं पहले कालका जी मंदिर। तो ये है अपनी बाइक बिल्कुल चमकती हुई क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं 13 तारीख को ट्रिप पर, एक वो भी आपको बताऊंगा। पहले बाइक निकालते हैं बाहर फिर चलते हैं। देख रहे हो भाई, बाइक हमारी पहले वार्म अप हो रही है, थोड़ी वार्म कर रहे हैं। चलो चलते हैं पहले। ये एक केक रखा है जो कि हम कालका मंदिर लेके जाएंगे। लेट्स गो। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर अभी। ये हमारे देव भाई एंड भाई, देव भाई के दोस्त हैं और अभी चलते हैं। मैं मतलब अकेला था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया रास्ते की। तो चलते हैं अभी अंदर, पहले माई के चरण लेते हैं और दर्शन करते हैं, फिर निकलेंगे गुड़गांव के लिए। गुड़गांव जाओगे आप? हैं बिल्कुल भाई, भाई का बर्थडे है। पूरा खाली पड़ा है मंदिर अभी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करके गुड़गांव के लिए और रामधन भाई वगैरह सब कार से जा रहे हैं। तो मैं जाऊंगा बाइक से और बारिश से स्वागत किया है माने। हमारे बर्थडे पे देख रहे हो भाई कितनी बारिश अभी, मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है, धीरे धीरे बन रहा है बारिश। चलते हैं जल्दी से और तेज ना हो जाए बारिश। यहाँ पे होने लगी है बहुत तेज बारिश और अभी हम लोग खड़े हैं भैरव मंदिर पे। देख सकते हो आप, ये इधर कालका मंदिर है एंड ये पीछे भैरव मंदिर। तो हम रुके हैं एकदम फुट ओवर ब्रिज के नीचे, वेट कर रहा हूँ भाई। मेरे को तो फील होकर जाऊंगा नहीं मैं, और देव पता नहीं, देव जाएगा तो देव अकेला चला जाए भाई। नहीं भाई, मैं भाई को लेके जाऊंगा, मैं कार से जाऊंगा भाई, मेरे बस की तो नहीं भाई। अब चलो देखते हैं, वेट कर रहे हैं, रामधन भाई का आ रहे हैं वो। तो हम लोग आ चुके हैं अभी कार में बारिश होने की वजह से और चल रहे हैं इधर। ये आंटी जी है सागर भैया की मम्मी जो की, चलते अभी एडजस्ट करना पड़ रहा है सबको, देख रहे हो मेरी गोदी में, ये देव मेरी गोदी में। शीतला माता मंदिर और ये गाड़ी देख रहे हो जयवर, ये भी हमारे साथ की है। तो ये सब जा रहे हैं, तो सब जा रहे हैं भाई। कोई नहीं भाई, माँ चाय भी चाहिए भाई, भाई अब तुम वीडियो बना दो मुझे, बोल गुड़गामे वाली मैया की। तो आ चुके हैं भाई गुड़गांव वाली मैया के पास और दर्शन करो आप लोग। देखो भाई इधर, देखो इधर, देखो बस
बोल श्री काल का माई की जय की जय की जय। तो दर्शन कर लिया, अभी हम जा रहे हैं चौक वाली मैया पे जो आगे मतलब चौक पे है, तो चलते हैं। एंड पीछे भी आ रही है हमारे साथ जगवार, बोरे रामधन भाई आ जाओ भाई, ये रहा 2 मिनट की रास्ता है, चलो। बेटा बब्बे नाम है उसका, हैं? आ चुके हैं हम लोग मंदिर के पास। ये कौन सा मंदिर है? ये है मंदिर, नाम तो मुझे पता नहीं, पूछ के जाऊंगा रामधन भाई से। तो दर्शन कर लिया एंड अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, मतलब सॉरी निकल रहे हैं कालका जी मंदिर के लिए, वहाँ पे भी केक कट करना है, मैं दर्शन करने माता के। और ये हमारे रोशन भाई गाड़ी चलाते हुए, भाई क्या हाल है, कब ले रहे हो फिर जगवार? भाई जब ठीक है बोल दो यार, माई की कृपा उठा देंगे। तो अभी ये रोशन भाई चल रहे हैं और निकलते हैं मंदिर के लिए, पहले कालका में सब बैठते हैं उसके बाद। तो हम लोग अभी रुके हुए हैं रोड पे क्योंकि रामधन भाई अपना फ़ोन भूल चुके हैं, पता नहीं कहाँ यार मिल नहीं रहा था। अभी फिर कॉल बैक आया कि भाई फ़ोन भूल गए, और फिर भाई को भी भाई बताओ कैसे भाई, चाय जहाँ चाय पी रहे थे ना वहाँ राम रतन भाई ने फोन छोड़ दिया गलती से, अब बस लेने गए आगे राम रतन भाई। भाई हाँ जी भाई बताओ कैसा लग रहा है आपको फोन मिलने के बाद? देव रह गया, रुक जाओ भाई अभी, भाई भाई रुको। तो भाई जाम चाय पी रहे थे, चाय की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग पीते फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब चाय वाय पी के हम लोग निकल गए, कुछ नहीं होगा जब बाबा से बता दिया, चलते हैं अब कालका मंदिर की तरफ। A few moments later. तो हम लोग आ चुके हैं वापस कालका मंदिर में, और भाई आशीष भाई का केक काटने, और अब हम आशीष का बर्थडे मनाएंगे कालका माई के साथ। और 8 बज गए हैं, बहुत लेट हो गए, जल्दी से चलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. तो केक कट हो चुका है भाई, हम लोग बांट रहे हैं कालका मंदिर में भाई केक कट। तो भाई दर्शन वगैरह हो गए और केक भी कट गया है, तो 8:30 हो गए, तो चलते हैं अभी घर क्योंकि जॉब पर भी जाना है, लेट हो रहे हैं बहुत, बाइक से चलेंगे घर। ये खड़ी अपनी बाइक, चलते हैं घर पे, आपको मिलता हूँ सीधा घर पर। हाँ यार ये छोटे मोटे रख रखे, तो मिलता हूँ मैं आपको घर पर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पर और थक गया भाई, बाइक चलाते चलाते मतलब यहीं पे इतनी बाइक में दिक्कत आ रही है ना, सर्विस कराने के बाद भी मैंने मतलब ठीक कुछ काम करवाया था कि कल मैंने करवाया था, तो 100 करोड़ जो लीक करा था उसका वो भी ठीक करा दिया है, बट उसमें ना प्रॉब्लम आ रही है, वो बंद हो रही है बार बार, मिसिंग कर रही है। तो अभी मैं लेके जाऊँगा उसे सर्विस सेंटर, दोबारा देते हुए फिर ऑफिस निकलूँगा, ऑफिस से आज मैं शायद देखो हाफ डे या फिर 4-5 बजे तक आ जाऊँ, बाकी देखते हैं। तो अभी जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ, निकलता हूँ ऑफिस के लिए जल्दी से। तो मैं हो चुका हूँ रेडी और जॉब पे जा रहे हैं, और हिमांशु भाई भी हमारे आ चुके हैं। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई बताओ भाई कमेंट में, मस्त लग रहा है ना आज फुल एकदम मौज। चलो अब चलते हैं ऑफिस में, बहुत लेट हो गया है। तो मैं आ चुका हूँ अभी सर्विस सेंटर, और मैंने अभी मतलब अपनी बाइक तो दे दी उन्हें, वो कर देंगे शाम तक, देखते बाकी मेरे को जाना है ऑफिस, चलते अभी। खड़ी अपनी बाइक, ये हिमांशु आ गया है अपनी स्कूटी लेके, तो अभी चलते हैं ऑफिस। 15 minutes later. तो मैं आ चुका हूँ अभी ऑफिस में, और गर्मी बहुत है भाई, पसीना आ रहा है बहुत, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ये ऑफिस है मेरा, देख सकता हूँ ये मेरा सेटअप है, बाकी 2 और हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके, प्यास लग रही है बहुत तेज। तो भाई अभी ऑफिस में बैठा हूँ और कोई नहीं आया, अभी मंडे भाई लेट आएंगे थोड़ा, तो जैसे ही आएंगे चलो देखते हैं, और उसके बाद तो मुझे निकलना भी है कहीं करोल बाग के लिए अरविंद भाई के साथ, तो अभी थोड़ा सिस्टम भी वर्क हो रहा है देख सकते हो। चलो अभी थोड़ा सा वेट कर दो अभिमन्यु भाई का। तो हम लोग अभी आए थे लंच करने, मैं और अभिमन्यु भाई, तो बट मैं लंच लेके नहीं आया था आज, तो एक लस्सी पी अभी, और अभी हम जा रहे हैं ऑफिस में क्योंकि लंच ओवर होने वाला है। यहाँ से हमारे दिनेश भाई आ रहे हैं, कहाँ है वो? वो तो आया। चलो ठीक है, तो चलते हैं अभी ऑफिस में, और फिर मुझे निकलना भी है 1.5 घंटे बाद, कहीं जाना है वो भी बताऊँगा आपको। चलो ऑफिस चलते हैं। 1 hour later.
तो भाई यहाँ पे भी केक कट हो चुका है, अच्छा जा रहा हूँ मैं अभी, अरविंद भी आ रहे हैं, उनका वेट करते हैं, चलते हैं। तो फाइनली बाइक हो चुकी है हमारी रेडी एंड जो भी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व आउट कर दिया भैया ने। अभी चलते हैं हम लोग गोविंदपुरी मेट्रो, तो चलो चलते हैं अभी गोविंदपुरी मेट्रो पर, फिर वहाँ पे अरविंद भाई आएंगे, उनके साथ निकलते हैं फिर। तो ये आ चुके हैं हमारे अरविंद भाई राइडर, पहाड़ी राइडर हमारे भाई, ये ना ये मेरा वो कंपनी में लगवा दिया बिल है। चलो भाई जल्दी चला, लेट करा दिया तुमने और कुछ नहीं बस। तो चलो निकलते हैं अब करोलबाग के लिए, जल्दी से भाई बाइक चलाएंगे अभी, ये अपनी बाइक खड़ी है। आ चुका हूँ चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स और चलते हैं अंदर। हेलमेट वगैरह भी ले सकते हो आप, ऐसे भी सारे ब्रांड के हेलमेट यहाँ पे मिलते हैं। ये आ गए हमारे हैंड गार्ड, तो ये वाले लिए हैं भाई ने गार्ड एंड भाई ये हमें दिए हैं 700 रुपये के, बस एक ही चीज़ लेनी थी क्योंकि प्रो एक्स के हैं, बाकी अभी निकलते हैं हम लोग जल्दी से, बस टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, 6:30 हो गए हैं, तो जल्दी से घर पहुँचते हैं, लोन ले ना हैप्पी बर्थडे करते हैं सब कर दिया भाई, चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है भाई। चलो तो फाइनली घर आ चुका हूँ और भाई हालत इतनी ख़राब हो गई है मेरी ट्रैफिक के चक्कर में, इतना पेन हो रहा है मेरे शोल्डर की साइड, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट कोई नहीं, चलो अब फाइनली घर पे आ चुका हूँ और 8:30 बजने वाले हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ भाई सोने क्योंकि मैं रात में सोया नहीं था बिल्कुल भी, मंदिर के चक्कर में मंदिर के लिए जगता रहा ताकि मतलब मंदिर जाऊँ जल्दी टाइम से, तो अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा उसके बाद उठूँगा तो खाना ना खाऊँगा, तो अभी चलते हैं सोने, तो उठता हूँ फिर आपको मिलता हूँ सोने के बाद। तो खाना खाने का टाइम हो गया है और ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, तो जल्दी से खाना खाते हैं। तो आज है भाई दाल और रोटी, तो जल्दी से खाते हैं। खाना खा लिया है और अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो भाई मैं आपको बता दूँ हम जा रहे हैं ट्रिप पे महाकाल और ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर ठीक है उज्जैन बाबा महादेव की नगरी, तो बाइक से जा रहे हैं दो बंदे, मैं और अरविंद भाई, और ये तो हमारा प्लान था वैसे 13 तारीख का, अब देखते हैं क्या है क्योंकि बाइक में भी थोड़ा सा काम रह गया, तो 14 को जा सकते हैं, वैसे 13 को डन है, अभी मेरी बात नहीं हुई है अरविंद भाई से बात करते हैं, फिर अगर वो 14 को बोलेंगे तो 14 को ना 13 को अदरवाइज जाएंगे, बाकी देखते हैं, वैसे 13 का तो कन्फर्म है 13 को ही जाएंगे, बाकी तो कृपा है महादेव की, तो अभी थोड़ा सा काम रह गया। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल पर जो भी नए चैनल कर देना सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, जब तक गुड बाय टाटा बाय गुड नाइट जय श्री राम।